हिमाचल प्रदेश के युवा सेना में जाते हैं, बॉर्डर पे खड़े होते हैं, जिंदगी दे देते हैं, जान देने के लिए तैयार होते हैं। पहले क्या होता था, अगर कोई शहीद होता था, शहीद का दर्जा मिलता था, फैमिली की प्रोटेक्शन होती थी, परिवार को पेंशन मिलती थी। नरेंद्र मोदी जी ने शहीद के दो कैटेगरियां बना दी है। एक कैटेगरी नॉर्मल जवान और ऑफिसर, जिसको शहीद का दर्जा मिलेगा, पेंशन मिलेगी, कैंटीन मिलेगी, सारी की सारी प्रोटेक्शन मिलेगी, रिस्पेक्ट मिलेगी, इज्जत मिलेगी। और दूसरा शहीद, जिसको नरेंद्र मोदी अग्निवीर कहते हैं, उसे ना ट्रेनिंग मिलेगी ना पेंशन मिलेगी, उसको उठाकर 3 साल बाद 4 साल बाद आर्मी के बाहर फेंक दिया जाएगा। अमित शाह आए, कहते हैं कि अग्निवीरों को पैरामिलिट्रीज में, पुलिस में नौकरी मिलेगी। सवाल यह नहीं है, सवाल यह है कि अगर हिंदुस्तान का एक युवा देश के लिए शहीद होने के लिए तैयार है, तो उसको वही रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए जो दूसरे युवाओं को मिलती है। हमें दो तरीके के शहीद नहीं चाहिए, हमें दो तरीके के जवान नहीं चाहिए। इंडिया की सरकार आएगी और हमारा पहला काम, महालक्ष्मी योजना से पहले, पहली नौकरी पक्की से पहले, किसान कर्जा माफी से पहले, पहला काम होगा कि हम अग्निवीर योजना को फाड़ कर कूड़ेदान में फेंक देंगे। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।